Hello students, today I am going to start the chapter The Inventor Who Kept His Promise, which is written by Thomas Alva Edison. About the lesson, this inspirational article is about the life and works of a great eventful scientist named Thomas Alva Edison. It was a man of great determination. Once he promised to give electric light to the world, and he fulfilled his promise on September 4, 1882. It is said that near about 900 houses in New York shone in the brightness of electric bulb in 1882. He gave laughter to human beings in the form of gramophone. When this greatest living American scientist died, Americans switched off their lights to give him honor. Every boy and girl should follow his great example. Now see the text. When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. तो आप क्या करते हैं, simply एक switch press करते हैं and electric lamp हमें क्या देता है, फिर रोशनी देता है. Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हैं कि इस electric lamp की खोज किसने की? He was an American named Thomas Alva Edison. इनका नाम था Thomas Alva Edison and he belongs to America. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. यहाँ तक कि अपने बचपन में भी इन्हें experiments से बहुत प्यार था. ये बहुत experiment करते थे. He was fond of asking questions. इन्हें प्रश्न पूछना अच्छा लगता था. And he was never satisfied, और ये तब तक satisfied नहीं होते थे till he got the right answer, जब तक इनको सही जवाब उसका न मिल जाए. There are many stories about his childhood and here are a few of them. हमें यहाँ पे उनके जो बचपन से जुड़े बहुत ही stories हैं और उनमें से हम यहाँ पर कुछ दे रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ stories इस book में उनके बचपन से related हैं. One day when young Edison was at school, एक दिन जब young Edison अपने स्कूल पे थे, the teacher was telling the children a story. तो जो टीचर थी वहाँ पर एक बच्चों को स्टोरी सुना रही थी about birds. किसके बारे में? Birds के बारे में. He got up, ये खड़े हुए and asked the teacher, और टीचर से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird? कि मैडम बर्ड की जैसा इंसान जो है क्यों नहीं उड़ सकते. बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. तो टीचर ने रिप्लाइड किया, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके पंख नहीं होते, उनके विंग्स नहीं होते. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट. तो जो यंग बॉय था वो कुछ क्षण सोचने लगा एंड आस्क्ड हर अगेन, और उसने फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स. लेकिन जो काइट्स होते हैं यानी जो पतंग होते हैं उनके तो विंग्स नहीं होते. एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. सारे बच्चे जो वहाँ पे मौजूद थे उस क्लास में, वो सब हंसने लगे और जो टीचर का पेशेंस था वो बिल्कुल टूट गया. शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही स्टूपिड और बहुत ही शरारती है. एंड शी आस्क्ड हर हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को इस स्कूल से ले जाने की सलाह दी उस बच्चे को. His parents took him home. उनके जो parents थे Thomas Alva Edison के, वो home ले गए. But they knew, लेकिन वो जानते थे that he was not a stupid boy, क्योंकि उनका जो लड़का है वो stupid नहीं है. Edison was just 8 years old when this happened. ये तब हुआ था जब Edison अभी केवल 8 साल के थे. Young Edison found in his mother his best teacher. यंग एडिसन की टीचर के रूप माँ के रूप में उन्हें एक अच्छी टीचर भी मिली, मतलब कि उनकी माँ उन्हें बहुत अच्छा गाइड कर लेती थी. तो अपनी माँ में वो कहीं ना कहीं एक टीचर को भी उन्होंने पा लिया था. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. वो बहुत ही धैर्य से उसके हर क्वेश्चंस का जवाब दे देती थी. एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. और उनके इस हेल्प और गाइडेंस से उसने अच्छा प्रोग्रेस किया. ही यूज़ टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स.
वो प्राय क्या करते थे कि सारी कोई भी चीज़ होती थी बहुत ही नियरली, बहुत ही क्लोजली उसको ऑब्जर्व करते थे और खूब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली, उनके कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते बहुत ही बेकार होते थे, बहुत ही सिली होते थे, बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उससे उन्होंने बहुत कुछ सीख भी लिया था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन क्या हुआ सुबह कि वो एक बर्ड देख रहे थे, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड और वो उड़ते हुए ज़मीन पर आई, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ कीड़े उठाए इन इट्स बीक, अपनी बीक में, एंड फ्लू अवे और उसे लेकर फिर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो ऐसा देख कर जो एडिसन थे उनको एक आइडिया आया, द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, कि ये शायद इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये वॉर्म्स खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स, और इंसान भी उड़ सकता है अगर वो ऐसा करे, वो वॉर्म्स खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने खुद से कहा। देन ही वॉन्टेड टू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, अब ऐसा करने के लिए उसे एक एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता थी और किसी पर वो करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ वॉर्म्स को पकड़े, बीट देम, उन्हें कुचला पीटा, इन टू अ पल्प, एक पल्प रूप में बनाया, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और उसने ये मिक्सचर को, उसके यहाँ एक काम करती थी एक सर्वेंट थी, उसकी लड़की को दिया और कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी जाओ, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम बिल्कुल पक्षियों जैसे आकाश में उड़ोगी, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, तो जो पुअर गर्ल थी उसने उस पर बिलीव किया और उस मिक्सचर को पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, अब एडिसन की माँ ने ऐसे सिली एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको मना किया कि वो ऐसा अब दोबारा किसी पर ना अप्लाई करें। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार क्या होता है कि वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में जाते हैं, गए, देयर ही सा अ हेन, जहाँ पे उन्होंने हेन देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये अपने एग्स पे बैठे हुए था। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अब ऐसा देखकर अपनी माँ से क्वेश्चन किया और उन्होंने जवाब दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि जो हैन है अपने एग को सी रहा है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद क्या होगा कि जो चिकन्स है वो इन एग्स से वापस बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, तो पूछते कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग गॉट अ डजन एग्स, अगले मॉर्निंग क्या होता है कि उसने वो एक डजन एग ले आता है एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ जाता है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और क्या पाता है वो, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी होती हैं और लेकिन कोई भी चिकन्स नहीं निकलता। ही हैड ओनली मिसमैच द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, उसने सब बेकार कर दिए अंडे और यहाँ तक कि उसके शॉर्ट्स भी ख़राब हो गए। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उसकी माँ ने उसको बहुत पीटा। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही, क्या वो वाकई फ़नी बॉय था, नहीं ऐसा नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, अब तक वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वेयर रॉन्ग, उसने ये सीखा कि उसके जो ये आइडियाज़ थे ये गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रियल रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वो किताबों पढ़ने का बहुत शौकीन था और उसके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसने जो किताब पढ़ी थी, मतलब कि उसके पास जो 25 सेंट्स जो थे उसके फादर उसको देते थे पढ़ने के लिए बुक्स। ही रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उसने बहुत सी बुक जो है पढ़ी एंड विथ पॉकेट मनी, जो भी उसके पॉकेट मनी उसे मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, उसने बहुत बुक खरीदे, एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी
स्मॉल सी लेबोरेटरी उसने बनाई. हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसको बहुत इनकरेज किया. एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और हमेशा क्या करती थी, उनके एक्सपेरिमेंट्स में वो उनको मदद करती थी. आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स. क्या होता है, कुछ समय बाद उसकी एडिसन को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है. एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और वो और बुक्स चाहता है. एज ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, तो जो भी उसके पास मौजूद बुक रहते वो सारे लगभग पढ़ चुके होता है. ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वो बाहर जाना चाहता है, वो लोगों नए जगह नए लोगों से मिलना चाहता था. ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो और भी ज़्यादा बुक पढ़ना चाहता था. एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, ताकि उसकी जो नॉलेज है वो उसको और गेन करे, वो और बुक पढ़े और नॉलेज उसको गेन करना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, तो उसने डिसाइड किया रेलवे में एक जॉब करने की. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो इसके पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल नकार दिए, उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया. एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय वो केवल 12 वर्ष के थे. बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब उसने कुछ इस डिसीजन के लिए रीज़न दिया, अच्छी रीज़न दिया, तो वो एग्री हो गए. सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट. सो एडिसन क्या पहले बने, एक न्यूज़पेपर बॉय बने, और वो ट्रेन में डिट्रॉयट तक यात्रा करने लगे. ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने क्या क्या बेचा, न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उन्होंने $2 अर्न किए. ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस दिन उस रात के भोजन में उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, कि इस डॉलर को माता जी लीजिए. एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू डॉलर, मैं आपको डॉलर दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैंने अर्न किया. एंड केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को बनाए रखा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.